सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अलग अलग तरह के ऑनलाइन टीचिंग मेथड के बारे में, जिसके अंदर मुख्य रूप से स्वयं एवं स्वयं प्रभा MOOC के बारे में पूछा जाता है और इनमें से आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटी सी माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए फॉन्ट चेंज हो जाते हैं जब हम PDF कन्वर्ट करते हैं, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वयं पोर्टल के बारे में। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, ये हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए और हर एक शब्द का पता होना चाहिए कि क्या मतलब निकल रहा है। ये जो क्वेश्चन है जून 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था। तो जो भी आप टर्म याद कर रहे हैं तो उसकी फुल फॉर्म हमें पता होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं स्वयं पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप इसका इंटरफेस देखना चाहिए, इसकी वेबसाइट इस तरीके से बनाई हुई है, भारत सरकार ने ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। और अब देखते हैं ये क्या मतलब है, ये क्या करता है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD जिसे कहते हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। दोस्तों यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि स्वयं पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया, यानी कि MHRD के द्वारा बनाया गया और किसकी सहायता से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बनाया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अब देखिए स्वयं पोर्टल जो है इसकी घोषणा कब की गई थी, 1 फरवरी 2017 को की गई थी और जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांत क्या है, पहुंच यानी कि एक्सेस, फिर निष्पक्षता यानी कि इक्वलिटी और फिर गुणवत्ता क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो तीन आधारभूत सिद्धांत है इसी को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो ये तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी विशेष बातें क्या हैं वो देख लेते हैं। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है, इसलिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स भी निःशुल्क है। यहाँ पे फ्री में कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है ऑनलाइन। इस पर 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्स उपलब्ध है, ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक कोर्स उपलब्ध है। उसके बाद में जो अब देखते हैं कि उसके बाद में क्या है, जो छात्र प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो कुछ फीस देकर यहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग है, वीडियो व्याख्या खास तौर से तैयार की गई है। इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो वीडियो है वो हम अच्छे से देख सकते हैं और जो PDF है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इसके अंदर एक जो टेस्ट भी होता है कोर्स पूरा होने के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि यह भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाया गया है जो अपनी माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके, यानी कि किसी कारणवश जो आगे कॉलेज में नहीं जा सके उनके लिए ये पोर्टल खास तौर से बनाया गया है। और इसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसी के लिए MHRD और AICTE। अब देखिए AICTE इसकी फुल फॉर्म पहले आ चुके हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म हमें
पता होना। बात करते हैं स्वयं प्रभा की। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं, एक तो है स्वयं प्रभा और एक स्वयं पोर्टल। इन दोनों के बारे में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। सबसे पहले स्वयं प्रभा क्या है, ये 32 DTH चैनल का एक समूह है जिसके अंदर हमें एक सीरियल की तरह एजुकेशन दी जाती है। जैसे TV सीरियल आते हैं हमें हमारे पास, उसी तरीके से हमें एजुकेशन दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक दिन में 4 घंटे हमें सिखाया जाता है और एक दिन में टोटल 6 बार टेलीकास्ट किया जाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, और भी विषय यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारा स्वयं पोर्टल था दोस्तों, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारी एक वेबसाइट थी। उस वेबसाइट पे हम एजुकेशनल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF स्टडी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं। तो ये थोड़ा इसके अंदर फ़र्क है, ये हमें पता होना चाहिए। और भी इसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए हम बता देते हैं आपको स्वयं प्रभा के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। वही सारी चीज़ है, कॉमन चीज़ें जो मैंने आपको बता रखी कि 32 DTH TV चैनल है और इसके अंदर 4 घंटे प्रसारित होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। और अब बात करते हैं दोस्तों हम MOOC। अब देखिए MOOC का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। और इसका इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इसका इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अंदर भी क्या है दोस्तों कि इसके अंदर जो लोग दूर बैठे हुए हैं, यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र में है, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, वो लोग यहाँ से अपना कोर्स है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है मुख्य रूप से जो उच्च शिक्षा दी जाती है, और इसके अंदर जो स्ट्रीम है वो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि MOOC में किस क्षेत्र में शिक्षा दी जाती है, ये हमें पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक प्रणाली के बारे में, यानी कि किस किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, क्या विधि हो सकती है पढ़ाने की, वो हम देखते हैं। ये देखिए ट्रेडिशनल बेस, यानी कि जो लगातार चलता हुआ आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये शिक्षक केंद्रित तथा विषय केंद्रित होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो मेन केंद्र होता है और उसकी विषय वस्तु यानी कि जो स्टडी मटेरियल है वो चीज़ मुख्य रूप से होती है जो आज तक चलती हुई आ रही है। जैसे कि क्लास के अंदर है, टीचर पढ़ा रहा है, बुक लेके पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है तथा विद्यार्थियों का गौण स्थान होता है, यानी कि इसमें जो विद्यार्थियों की पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम होती है। ज़्यादातर क्या है कि जो टीचर है वही बोलता है, वही समझाता है। शिक्षक विषय सामग्री निर्धारित करता है, वह विद्यार्थियों पर ज्ञान थोपने का प्रयास करता है, ठीक है, ये हमने देखा होगा। उनकी रुचि, अभिवृत्ति, योग्यता व अक्षमता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। जिस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले हम पढ़ते थे तो टीचर क्या था कि वो खुद कहता था कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, हमारी कोई रुचि इच्छा कोई भी कुछ हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन आज का जो टाइम है दोस्तों, आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब देखिए जैसे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं अगर आपको कहूं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप मेरी मानो या ना मानो कोई ज़रूरी नहीं, आप अपने हिसाब से वीडियो देखोगे, अपने हिसाब से टीचिंग मेथड का चुनाव करोगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप अपनी रुचि के अनुसार चलोगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए ये मॉडर्न मेथड की बात आ गई जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न मेथड के अंदर वही है कि जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, LCD प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ रहे हो और लैपटॉप के ऊपर पढ़ रहे हो, तो आप अपने अनुसार अपने हिसाब से देख सकते हो कि मेरे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब देखिए ICT बेस्ड, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ICT क्या होता है। ICT के बारे में भी पता होना चाहिए, कई दोस्तों को पता नहीं था इसके बारे में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंदर जैसे क्या आता है, हमारा इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, ये सारी चीज़ें होती है ICT होती है।
प्लेटफॉर्म है, और इसके इसको तीन भागों में बांट सकते हैं हम। सबसे पहला ई लर्निंग। ई लर्निंग जैसे हमारी ई बुक होगी, पीडीएफ वगैरह होगी, तो उस तरीके से पढ़ना वो कहलाता है ई लर्निंग कहलाता है, वीडियो के जरिए पढ़ना। और फिर आता है दोस्तों ब्लेंडेड लर्निंग। अब देखिए ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊँ कि ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हम दोनों तरीके यूज़ करते हैं, ऑनलाइन तरीका भी यूज़ करते हैं और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो चल रहा है वो दोनों के दोनों मिला के जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर ट्रेडिशनल भी हो और ऑनलाइन मेथड भी हो, दोनों जब हम यूज करें तो उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहें, इसके अंदर हम जैसे ईमेल के जरिए पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, किसी को ईमेल भेज दी और उसमें स्टडी नोट्स वगैरह, यानी कि दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस लर्निंग कहलाता है। और इसके अंदर जैसे फॉर्म चैट है और कम्युनिकेशन टूल है, काफ़ी तरह की चीज़ें होते हैं आजकल, जैसे वेबिनार वगैरह आ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, डिस्टेंस लर्निंग कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारी मुख्य रूप से आज की टीचिंग ऑनलाइन मेथड थे, इनके द्वारा हम पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना मेथड था वो था, तो ये हमने सभी कंपैरिजन किए हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। Till I get up, time is barely on our side.